Day 25। सो रात को मुझे नींद नहीं आई तो मैं जल्दी उठ गई थी, और सावन का महीना तो मैंने चूड़ियाँ भी डाली थी और ये फेस पैक वगैरह भी लगा दिया था। और अब मैं जो नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। पहले मैं मंदिर जा नहीं पाई, सावन का महीना लगा तो आज ही स्टार्ट किया है, तो आज जा रही हूँ मंदिर। घर के पास ही ये मंदिर है, यहाँ मैं शादी से पहले भी जाती थी और अब जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारा बहुत बड़ा मंदिर है ये। यहाँ पे माता रानी की मूर्ति, हनुमान जी, राधा कृष्ण, भोले शंकर, सारे जो हैं देवी देवताओं की यहाँ पे हैं, मतलब रखे हुए इन्होंने। तो यहाँ पे ये है राधा कृष्ण जी का और ये भोले शंकर का, ओम नमः शिवाय। सो यहाँ पे मैं जल चढ़ाने आई हूँ, तो जल चढ़ाते वक्त जो माँ मृत्युंजय का पाठ भी मैं करती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनात् मृत्युमोक्षि मामृता। तो ये जो पाठ थे ड्यूरिंग जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तब भी मैं करती थी और अब भी जो है ये पाठ करती हूँ। अगर मतलब मैं कई बार होता है मैं फ्री टाइम भी होता है तो मैं ये सुन लेती हूँ या खुद मन मन में करती रहती थी। तो ये जो मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है इस मंत्र की पावर। तो अगर आपको भी ऐसे लगे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं हो रही या समथिंग लाइक दैट, तो आप इस मंत्र को जो है डेली इसका उच्चारण कर सकते हैं 108 बार डेली। आपके मन को तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम से फाइट करने का, स्पेशली जैसे कि होता है ना कोई रोग लग जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो उसको उस चीज़ को, उस डिजीज़ को फाइट करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप भी जो है डेली जो है इसका पाठ करिए। सावन का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है, तो इस महीने में आप जब शिव शंकर की जितनी पूजा करेंगे उतना आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद मैं घर आ गई थी और पापा यहाँ पेठा काट रहे थे, मम्मी तो पड़ी थी रेस्ट कर रहे थे, और ये जो है जूस बना लिया पेठे का जूस अर्ली मॉर्निंग पे, बहुत ही बेनिफिशियल होता है, कम्प्लीटली डिटॉक्स कर देता अपनी आपकी बॉडी को। तो बस यहाँ मैं छन्नी ढूंढ रही थी बट कोई भी इनमें से एग्जैक्ट छन्नी नहीं थी, तो ये तो बहुत ही छोटी थी, बाद में मम्मा ने मुझे दी। और यहाँ पे बन गया है जूस जिसको मैंने पिया, और उसके 2 घंटे तक मैंने कुछ भी नहीं पिया था, खाया भी नहीं था। और इसके बाद जो है मैंने लॉगिन किया था और अपने ऑफिस का काम भी जो है वो स्टार्ट कर दिया था थोड़ा जल्दी की, ताकि जल्दी उठ पाऊँ। सो ये ब्लॉग यहीं रैप करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।